विष्णु, चलो चर्च जाना, उठो। गुड मॉर्निंग, गुड जॉब भैया। 7 बज गए हैं। कितना शो हो गया मेरा बच्चा। हाँ टीमो, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, यीशु मसीह की जय, है ना? वेरी गुड। चलो उठो 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 उठो, 7 बज के उठो मेरा बच्चा। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। सो आज है 24 दिसंबर, कल है क्रिसमस, और आज 24 को पास्टर अंकित हैं, उनके चर्च का इनॉग्रेशन है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा दूर है, तो मैं, विष्णु और बेबी, हम 3 जा रहे हैं अभी तो फिलहाल। तो अंकित पास्टर आपने देखे होंगे, उनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं यूट्यूब पे। उनका मतलब जाना माना बड़ा चर्च है, और लोग कहते हैं कि पूरे दिल्ली में उनका सबसे बड़ा चर्च है यहाँ पे। तो उनका नया चर्च बन रहा है, तो अभी हम वही देखने के लिए जा रहे हैं। इनॉग्रेशन है, तो कैसा क्या होता है, क्योंकि हमने सिर्फ यूट्यूब पे वो देखा है उनको, जब वो लोग संडे को सर्विस करते हैं। आज फाइनली जाके देखेंगे। मैं विष्णु से बहुत टाइम से बोल रही थी, एक बार जाके देखेंगे, क्योंकि मैं चर्च से बहुत लोग गए, मैं कभी नहीं गई। एक बार चर्च के लाइन तक गए थे, बट चर्च देखा नहीं था बाहर से, एयरपोर्ट तक गए थे। बट आज टाइम मिला है फाइनली इनाग्रेशन पे कि मैं जाऊँ, मैं भी जाऊँ, और बेबी है, विष्णु है, हम तीनों जाएँ। बस सो जा, सो जा। हाथ कभी हमेशा अंदर नहीं रखता, हमेशा बाहर। टेलीफोन मिला रहा है अभी वो। चाचू आप कब आ रहे हो? चाचू जल्दी आओ। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं विष्णु तैयार हो चुके हैं, बेबी के थर्मस में पानी गर्म करके लेके जा रहे हैं। यार छोटा बच्चा हो तो छोटा बच्चा तो कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है यार, आप पता चला। मैं सोची जब बच्चा छोटा रहेगा तो क्या, अचार से एक निप्पल बॉटल लेनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, डायपर, 2 निप्पल बॉटल, गर्म पानी, नॉर्मल पानी, 3 इनर और 3 जोड़ी कपड़े। वैसे सब एक जोड़ी रखते, लेकिन मैं फिर भी 3 रखती, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना टीमो, एक के बाद एक लगातार गंदे कर दे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सर और नीचे आएगा लाइन से। पंडे ने ने चलो बाहर घूमी घूमी करने चलते हैं, चलो। नहीं टीमो, पीछे है पार्किंग की तरफ। ये कुछ ऐसा व्यू है, चलो। Praise the Lord, praise the Lord. So here we are at Faith Arena. Samar Shukla Bhaiya. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah.
तो अभी 3 बज रहे हैं और अभी भी अंदर वर्शिप चल रही है, मतलब लास्ट जो ख़त्म हो रहा है सब कुछ अभी, तो सेल्वम है वो वर्शिप कर रहे हैं। और अभी मैं आपको पीछे का दिखाऊंगी कि मतलब पीछे का नज़ारा कैसा, मतलब सामने का फेत इन्हें के सामने का, मतलब मेरे आगे की तरफ। तो यहाँ पे खाना शुरू हो गया है और ये रही फेत एरिना, ये देखिए। और ये पार्किंग लॉट है पूरा। ओके जाओ, आज जितना मज़ा आया ना, सच में पहले भी आया बट आज जो मज़ा था ना बहुत अच्छा था। जब डजेंट मैटर कि आपकी चर्च छोटी हो बड़ी हो चाहे कैसी भी हो, बट जब वर्शिप करते हो एकजुट रह के प्रार्थना करते तो बहुत अच्छा लगता है। आज की वर्शिप तो सच में अमेजिंग थी। तो गाइज एक्चुअली जो फेथ एरिना का इनाग्रेशन था, जो चर्च है वो दूर नहीं है, मुझे नहीं पता था। एक्चुअली जो एयरपोर्ट के पास है वो उनकी पहली चर्च है और ये जो है वो छतरपुर में पास ही नहीं है, लेकिन विष्णु और मुझे पहुँचते ट्रैफिक वगैरह जो बाकी चीज़ें थी तो हमें 1 घंटा लग गया यहाँ से पहुँचने में। और फिर वहाँ से हम लोग आए लगभग 4:30 हो गए थे, सो के उठे। उसके बाद अभी हम लोग खैर जा रहे हैं बाहर, अभी बज रहे हैं 8:00। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।